आग लगी हर घर मचा है शोर आई एम सी शाइन चारो आई एम सी शाइन चारो सब नाचे आएंगे बोलेंगे गुड आई एम सी सफल बनाने विश्वास की ज्योत जलाने विश्वास की ज्योत जलाने हमारे सफल बनाने सफल बनाने विश्वास की ज्योत जलाने अगर हम सब काम करेंगे मेहनत कर ओके सो वेरी वेरी गुड आई एम सी टू ऑल मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं मस्त हैं कुशल मंगल हैं अपने अपने घरों में। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हुई हैं और हम 10 मिनट की देरी से चल रहे हैं ऑलरेडी। ओके सो वेरी वेरी गुड आइंसी टू ऑल और आपकी अपनी दीपशिखा शिवकांत मिश्रा का आप सभी को ढेर सारा प्यार और नमस्कार एंड आई एम वेरी वेरी गुड आइंसी वंस अगेन। सो आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हैं जो हमारी एरिया मैनेजर द वन एंड ओनली मिसेस रेनू यादव जी हैं जो दिल्ली की एरिया मैनेजर हैं और जो बखूबी जिनको मैं देखती भी आ रही हूँ वो बखूबी अपना कार्यभार यहाँ संभालती हैं और काफ़ी बार मेरी उनसे मुलाकात होती रहती थी बट अब तो लॉकडाउन है तो इस वजह से नहीं हो पा रही वरना जो भी मैंने उनकी लीडरशिप स्किल्स देखे हैं मैं हमेशा ही उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रही हूँ और कुछ नया मैं भी उनसे काफ़ी बारी सीख चुकी हूँ जिस तरह से वो सब कुछ मैनेज करती हैं एज अ लेडी और जिस तरह एरिया मैनेजर के तहत वो इतनी बढ़िया तरीके से सब कुछ मैनेज कर रही हैं दिल्ली जो भारत की राजधानी है और उस एरिया को संभालना इतनी बखूबी से वो मैम की खूबियत है। सो अगेन आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं स्वागत करना चाहूंगी मिसेस रेनू यादव हमारी एरिया मैनेजर जी को। नमस्कार रेनू जी वेलकम गुड आइंसी। तो रेनू जी जी एम आई ऑडिबल यस मैम हां जी सो आपका स्वागत है और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे एंड आपने हमें ये समय आप दे रही हैं और मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छी स्पीकर हैं और आज उम्मीदें हम सब की एक्सपेक्टेशंस हमेशा आपसे हाई ही रहती हैं और उसको आप बखूबी फुलफिल भी करती हैं। सो अब मैं चाहूँगी ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करें। सो ओवर टू यू रेनू जी। गुड आई एम सी एवरीवन गुड आई एम सी And thank you so much, Dipshikha ji, for this warm welcome. And ये जो इतने अच्छे शब्द आपने मेरे लिए कहे, so thank you so much. And इतनी अच्छी opportunity मुझे दी, आपने मुझे अपने Facebook page पे invite किया, so इसके लिए thank you so much. And in fact, मैं आपको congratulate करना चाहूँगी and बधाई देना चाहूँगी कि जो ये platform आपने बनाया है एक महिला को empower करने का and ये जो empowerment series आपने शुरू की है सो आई थिंक इससे बहुत सारी फीमेल्स मोटिवेट हो रही हैं एम्पावर हो रही हैं तो मैं चाहूंगी कि आपके लिए मैं एक बार जोरदार तालियां बजाऊं एंड बधाई दूं कि आपने इतना अच्छा ये एक सीरीज शुरू की हुई है एंड जैसा कि मैम आज आपने मुझे मौका दिया है एंड आपने मुझे बोला कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि वुमेन को एम्पावर करने की जरूरत ही नहीं है वो तो ऑलरेडी एम्पावर्ड है राइट बस जरूरत है तो उसे अपनी कैपेबिलिटी और शक्ति को पहचानने की राइट जैसा कि हम जानते हैं औरत को संसार की जननी कहा जाता है राइट नेचर इज शी नॉट ही उसके अंदर ही संसार बसा हुआ है और अगर देखा जाए तो अगर पृथ्वी पर अगर एक औरत नहीं होती तो शायद आज ये पृथ्वी भी नहीं होती सो इसका मतलब अगर वो सोच ले अगर वो ठान ले तो वो सब कुछ कर सकती है राइट एंड क्योंकि आज मैम आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया है तो मैं सबसे पहले जो मेरी जन्मदाता हैं एंड जिन्होंने मुझे जन्म दिया है
मैं आज इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूंगी और उनको मैं जो मेरी जन्मदाता है, मेरी मॉम है, जो मेरी मदर है, मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहूंगी, आज तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगी जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ. सो मैं इनफैक्ट चाहूंगी जितनी भी मेरी लाइफ में जितने भी सुपर हीरोज हैं, जो रियल सुपर हीरोज हैं महिलाओं के रूप में, जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुंचाया है और मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है, कॉन्ट्रीब्यूट किया है, मेरी मदर इन लॉ जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया शादी के बाद भी, एंड इनफैक्ट मेरी जितनी भी सिस्टर इन लॉज हैं एंड जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी. एंड इनफैक्ट मेरी एक डॉटर भी है 3.5 साल की, जो इनफैक्ट बहुत छोटी है ये समझने के लिए, लेकिन मैं उसको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी. कहीं ना कहीं वो मुझे रोज इंस्पायर करती है, कहीं ना कहीं वो मुझे मोटिवेट करती है कि मैं रोज खड़ी हूँ और मैं काम करूँ और मैं उसके लिए एक अच्छा भविष्य लेके आऊँ. सो मैं उसको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ. एंड इनफैक्ट आज दोस्तों मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, जितने भी पुरुष हैं, जितनी भी महिलाएं हैं जो मुझे देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आज आप भी अपनी उन सारी सुपर हीरोज जो फीमेल आपकी लाइफ में है, आज आप उनको धन्यवाद दें, आप उनके लिए तालियां बजा सकते हैं अगर आज वो आपके साथ बैठी हैं, चाहे वो आपकी वाइफ है, चाहे वो आपकी माँ है, आपकी बहन है, या भले ही वो कहीं दूर है, तो आप उनको आज धन्यवाद दे सकते हो, आज उनको आप कॉल कर सकते हो. क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि वुमेन इंटरनेशनल डे जो हम लोग बनाते हैं वो एक दिन नहीं, हमें रोज बनाना चाहिए. सो एक बार हम जितनी भी सुपर हीरोज हैं जो हमारी लाइफ की हैं, जो रियल लाइफ में हमें इतना सपोर्ट और मोटिवेट कर रही है, मैं चाहती हूँ हम उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं एंड थैंक यू बोल सकते हैं उनको दिल से इतना कुछ हमारे लिए करने के लिए. एंड फ्रेंड्स, अगर मैं बात बताऊं तो मैं सच में बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मुझे भगवान ने एज अ डॉटर एक बेटी बना के, मुझे एक लड़की बना के इस धरती पे भेजा. मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ क्योंकि एक महिला अपने जीवन में दोस्तों बहुत सारे रोल प्ले करती है. आज मैं किसी की बेटी भी हूँ, किसी की वाइफ भी हूँ, किसी की मदर भी हूँ, राइट. एंड जितनी भी महिलाएं हैं, राइट, कुछ ना कुछ उनका सभी का अपने अपने लाइफ में बहुत सारे वो रोल्स प्ले करती हैं एंड बहुत सारे लोगों के जिंदगी में हम कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट. दोस्तों हमने हमेशा सुना है कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, राइट. सो मैं वही कहना चाहूंगी कि एक सफल औरत के पीछे भी एक पुरुष का हाथ हो सकता है एंड वो पुरुष कोई भी हो सकता है. आज मैं अगर बात करूं तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपने फादर को, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन दी कि आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं आज इंडिपेंडेंट हूँ. एंड अपने हस्बैंड को भी आज मैं ये इस प्लेटफॉर्म के जरिए थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने शादी के बाद भी बहुत सारी ऐसी परेशानी आई, लेकिन उन्होंने तभी भी मुझे सपोर्ट किया और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया. सो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी उनको भी. एंड दोस्तों जितने भी मेल पुरुष, जितने भी मेल हैं, जितने भी हमारे एसोसिएट्स हैं मेल, आज जो मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, एक बात आज एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, राइट, कि जो महिला आपके घर में सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, हमारे लिए खाना बनाती है, हमारे लिए हमारे बच्चों को देखती है, हमारी फैमिली को देखती है, एंड अपने सपने को छोड़कर वो आपके सपनों को अपना मानकर आपके सपनों को पूरा करने में लग जाती है, तो क्या हम, राइट, तो क्या आप उनके सपनों को पूरा करने के लिए क्या आप उनकी मदद नहीं कर सकते, राइट. इस पे सोचिएगा जरूर, राइट. क्योंकि दोस्तों जब एक लड़की जन्म लेती है, राइट, जो और वो धीरे धीरे जब बड़ी होती है तो उसके भी अपने सपने होते हैं. हर एक लड़की का एक सपना होता है, लेकिन जब वो अपने माँ बाप के घर में होती है तो एक बेटी का फर्ज निभाती है, और जब बड़े होके जब वो धीरे धीरे बड़ी होती है, उसकी शादी हो जाती है, तो वो एक वाइफ का फर्ज निभाती है, राइट. एंड धीरे धीरे आप देखते हो कि कहीं ना कहीं इन सभी बीच में, इन सारी चीजों में वो अपने सपनों को भूल जाती है, अपनी एजुकेशन को उसको बहुत सारा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के सपनों को ही वो अपना सपना मान लेती है. और क्योंकि हमने हमेशा देखा है, हमने कभी भी एक महिला को देखा है, उसका जो नेचर होता है वो हमेशा से ही गिविंग नेचर होता है, वो हमेशा देना चाहती है, उसकी फैमिली हमेशा उसकी प्रायोरिटी होती है, उसको अपने फैमिली से बढ़ के कुछ भी और नहीं दिखाई देता. आज इनफैक्ट बहुत ज्यादा हमने एक सर्वे में देखा गया है कि अगर बहुत सारी फीमेल से पूछा गया है, 95% फीमेल से अगर उनसे पूछा जाए कि उनके लाइफ में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग कौन है, राइट, तो 95% फीमेल्स ने जवाब दिया कि उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, उनके पेरेंट्स. उसमें वो तो कहीं है ही नहीं, राइट, उनका अपना नाम तो है ही नहीं, अपने आप को वो भूल चुकी है.
सो जितनी भी महिलाएं मुझे सुन रही है, आई एम श्योर वो मुझसे इस बात को रिलेट कर पा रही होंगी और समझ पा रही होंगी. एंड जितनी भी महिलाएं यहाँ पे हैं, उन्होंने भी बहुत सारी, जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं मुझे, उनके भी कुछ सपने होंगे, राइट? बहुत सारी महिलाओं का सपना होगा, और लेकिन इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते निभाते उन्होंने कहीं ना कहीं अपने सपने को, अपनी एजुकेशन कहीं ना कहीं उनकी सेक्रीफाइस हुई होगी. लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी भी ये मौका बिल्कुल हमारे हाथ में है, अभी भी देर नहीं हुई है दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, राइट, जो आपको एक मौका देती है आज अपने सपनों को पूरा करने की, राइट? अपने आज जितने भी आपके सपने हैं उनको आप पूरा कर सकते हो. इनफैक्ट आज इस नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़ के ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी ही नहीं, बहुत सारी महिलाओं की जिंदगी को चेंज कर चुके हैं, राइट? दोस्तों, ये इंडस्ट्री मौका देती है आपको फ्लेक्सिबल आवर्स में काम करने का. आप घर पे रह के आप इनकम जनरेट कर सकते हो, इनकम कमा सकते हो, क्योंकि कोई भी महिला आज सबसे बड़ा कंसर्न है कि अपनी फैमिली को छोड़ के, इग्नोर करके वो काम नहीं करना चाहती. तो दोस्तों, ये जो एक प्लेटफॉर्म है, आप अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करते हुए, अपने बच्चों को देखते हुए, अपने घर परिवार को देखते हुए, आप एक बहुत अच्छा इनकम कमा सकती हैं, आप इंडिपेंडेंट बन सकती हैं, राइट? सो दोस्तों, लेकिन आज भी अगर हम देखें, नेटवर्क मार्केटिंग इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, जहां पे हम कहते हैं कि 58 से 60% महिलाएं का जो योगदान है वो डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का है. लेकिन मैं कुछ एक आपसे फैक्ट शेयर करना चाहूंगी. अगर मैं भारत की बात करूं, अगर हम अपने हिंदुस्तान में देखें, अगर मैं आपको एक रेशियो बताऊं, अगर इंडिया का जो रेशियो है जहां पे महिलाओं का जो जेंडर है, जो रेशियो है, वो 48% है, और जो मेल्स हैं उनका 52% है. यानी आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि 0.5% हमारी जो भारत में जनसंख्या है वो औरतों की है, एंड लगभग आधी ही पुरुषों की है. लेकिन आज भी बहुत सारी औरतें हैं वो आगे निकल के नहीं आती हैं. कुछ तो आज, तो आज के समय में दोस्तों हमने देखा है कि बहुत सारी औरतें हैं जो अलग अलग स्टेट से, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आगे आए हैं, उन्होंने इस इंडस्ट्री को अपनाया है और अपने सपनों को पूरा कर रही हैं. लेकिन आज भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर महिला बाहर नहीं निकली है, एंड उनको इनफैक्ट वो दर्जा नहीं दिया जाता है जो उनको मिलना चाहिए. मैं एक रिपोर्ट आपसे शेयर करना चाहूंगी. अकॉर्डिंग टू NSSO रिपोर्ट, अगर हम देखें हिंदुस्तान में, तो केवल 4% महिलाएं ही ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रही हैं. अगर मैं बाहर की बात करूं, तो केवल 4% महिलाएं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, जो जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं या हम बैंक्स की बात करें, तो इसमें केवल 4% है जिसमें महिलाएं काम कर रही हैं. और वहीं देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जैसा हम कहते हैं, तो ग्लोबली अगर मैं आपको बताऊं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ग्लोबली 80% जो वुमेन है वो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई है, एंड 20% जो पुरुष हैं उनका भागीदारी है. और वहीं अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में ये जो परसेंटेज है वो 20% वुमेन इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी हुई है, और वहीं 80% मेन जो पुरुष हैं वो जुड़े हुए हैं, राइट? इतनी बड़ी जनसंख्या, और देखा जाए तो आधा लगभग अगर हमारी महिलाएं 50% ऑलमोस्ट, अगर 50% महिलाएं अगर रेशियो हमारा हिंदुस्तान में है, तो भी आज इतनी सारी महिलाएं, और अगर ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है तो भी आज ये रेशियो इतना कम क्यों है? क्यों बहुत सारी महिलाएं आज भी इससे जुड़ी हुई नहीं है? दोस्तों, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, राइट? पहला रीजन, आज कहीं ना कहीं कुछ कुछ स्टेट्स में हमने देखा है कि आज भी जो हमारा हिंदुस्तान है वो पुरुष प्रधान देश कहलाता है, एंड बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर आज भी उनको बाहर निकलने में आजादी नहीं होती, उनको अलाउड नहीं किया जाता. एंड दूसरा रीजन, सपोर्ट, नो सपोर्ट, उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, कई बार उनको घर से सपोर्ट नहीं मिलता है, राइट? उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है. एंड जो तीसरा रीजन है कि वुमेन को हमेशा डिग्रेडेड समझा जाता है, हमेशा कम आका जाता है, उनको उतनी इक्वालिटी नहीं दी जाती, उनको पुरुष के बराबर नहीं समझा जाता. एंड दोस्तों, इसके अलावा जो है, फीमेल्स को ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है कि वो किसी भी क्षेत्र में चली जाएं और काम करने लगे. एंड जो चौथा रीजन है दोस्तों, अगर मैं देखूं तो लैक ऑफ एजुकेशन जो सबसे बड़ा रीजन है, राइट? लैक ऑफ एजुकेशन, आज बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे गाँव हैं या शहर हैं इनफैक्ट, जहाँ पे ये समझा जाता है कि लड़की को पढ़ाने से क्या होगा, राइट? लड़की पे, एजुकेशन पे इन्वेस्ट करके क्या होगा, क्योंकि वो तो शादी करके दूसरे घर चली जाएगी, राइट? तो हमें लड़कों को ज्यादा पढ़ाना चाहिए. तो इस वजह से भी लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं, एंड लैक ऑफ एजुकेशन के वजह से आज कहीं ना कहीं वो पीछे रह गई हैं.
बाहर क्षेत्रों में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है आज, हर जगह डिग्री या सर्टिफिकेट्स को मांगा जाता है। दोस्तों ये लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से महिलाएं आगे नहीं जा पा रही हैं। लेकिन एक मैं यहाँ पे बात बोलना चाहूंगी कि इनफैक्ट अगर हम एक लेडी को एजुकेट करते हैं, दोस्तों कहा जाता है व्हेन वी एजुकेट अ फीमेल वी एजुकेट अ नेशन, वहीं पर अगर हम एक पुरुष को एजुकेट करते हैं तो वो एक इंडिविजुअल एजुकेट होता है। तो दोस्तों जो एक बेटी होती है वो एक नहीं बल्कि दो दो परिवारों को सुख देती है। अगर वो खुद एजुकेट होती है तो अपने परिवार को और समाज को भी एजुकेट करती है, राइट। एंड दोस्तों इसके अलावा फीमेल मॉर्टेलिटी जो रेट है इंडिया में वो बहुत ज्यादा हाई है। क्यों आज डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर मैं बात करूं महिलाएं बहुत पीछे हैं, या आज क्योंकि फीमेल मॉर्टेलिटी यानी बहुत सारे देखो जगहों पे हमने देखा है। इनफैक्ट मैं बात करूं तो सिर्फ इलिटरेट पीपल ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत एजुकेटेड लोग हैं, हाई प्रोफाइल के लोग हैं ऐसे सोसाइटी में भी आज, जहाँ पे एक लड़की गर्भ में ही उसको मार दिया जाता है, उसको जीवन ही नहीं दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, ऐसा ये रेट बहुत ज्यादा हाई है। एंड 50% जो वुमेन है राइट वो काम करना बंद कर देती हैं आफ्टर मैटरनिटी। हमारे हिंदुस्तान में हमने देखा है कि जैसे ही महिला प्रेग्नेंट होती है राइट वो बेबी डिलीवर करती है, उसका सारा फोकस, उसका सारा अटेंशन, उसकी पूरी दुनिया उसका ऑब्वियसली बच्चा हो जाता है। एंड वो कहीं ना कहीं उसकी प्रायोरिटीज जो है वो चेंज हो जाती है। और अगर मैं काम करने के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है महिलाओं को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये उतना 100% अपना प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगी, उतना अच्छा काम नहीं कर पाएगी, इसके काम में कमी आ जाएगी क्योंकि इसकी जो फोकस है वो कहीं और रहेगा। तो इस वजह से भी दोस्तों महिलाओं को बाकी क्षेत्रों में भी आगे आने नहीं दिया जाता। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग आज एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हर महिला आके इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर सकती है, राइट वो सक्सेस पा सकती है, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकती है। सो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, मैं कई बार ऐसे मीटिंग्स में होती हूँ तो पूछते हैं कि मैम क्या क्या बेनिफिट्स हैं डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम जुड़ते हैं। कई महिलाओं का मुझसे क्वेश्चन होता है कि मैम अपार्ट फ्रॉम, जैसा हम सभी जानते हैं कि घर में बैठ के आप फ्लेक्सिबल आवर्स में काम कर सकते हो, हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को समय दे सकते हैं और घर से एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा मैं बताऊं तो डायरेक्ट सेलिंग जो है, डायरेक्ट सेलिंग विल नॉट ओनली गिव यू मनी, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, जो एक सबसे बड़ी बात है। डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ आपको पैसा ही नहीं देती है दोस्तों, एक आत्मविश्वास भी देती है, राइट एक कॉन्फिडेंस देती है जो कि आज एक महिला के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आज एक कॉन्फिडेंट महिला अपना खुद के विचारों को रख सकती है, अपना खुद का स्टैंड ले सकती है। आई थिंक एक कॉन्फिडेंट होना बहुत बहुत जरूरी है आज के समय में दोस्तों। दूसरा मैं देखूं तो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ के दोस्तों हमें सेल्फ डेवलपमेंट मिलता है। अगर मैं बात करूं तो ऐसी बहुत सारी एजुकेशन है दोस्तों, आज हम देखते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट, अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करूं, अगर सेलिंग स्किल्स की बात करूं, मार्केटिंग स्किल्स, तो इन सारी स्किल्स को सीखने के लिए हमें बहुत सारा पैसा देना पड़ता है और हमें कोर्सेज को करना पड़ता है। वहीं अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों, तो डायरेक्ट सेलिंग में ये अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें कि जहां पे हम सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, हमारे स्किल्स को हम एनहांस कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी पर्सनालिटी भी डेवलप होती है, राइट तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके बाद मैं बात करूँ तो दोस्तों इंडिपेंडेंस, राइट एक महिला जब डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ती है तो वो जैसे जैसे अर्न करना शुरू करती है दोस्तों वो इंडिपेंडेंट बन जाती है। एंड इंडिपेंडेंस जो महिला है वो कॉन्फिडेंस महिला कहलाती है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट महिला अपने खुद के डिसीजन ले सकती है, अपना खुद का स्टैंड ले सकती है। तो आई थिंक दोस्तों ये इंडिपेंडेंस होना बहुत बहुत जरूरी है एक महिला का। और हम देखते हैं कि हम अपने घरों में जितनी भी महिलाएं होती है, हम एक कल्चर पैदा करना चाहते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो जो बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंट रहें, राइट तो हमेशा हमें दोस्तों रोल मॉडल बनना पड़ता है, हमें अपने फैमिली में अपने बच्चों को रोल मॉडल की तरह दिखाना पड़ता है। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, अगर किसी के घर में अगर एक महिला इंडिपेंडेंट होती है तो उसके बच्चे भी इंडिपेंडेंट होते हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना कि अपने इंडस्ट्री में कि एक डाउनलाइन हमेशा अपने अपलाइन को देख के फॉलो करता है, जैसा उसका अपलाइन करता है वैसे ही उसका डाउनलाइन करता है। सो दोस्तों ये इंडिपेंडेंट होना बहुत बहुत जरूरी है। एंड डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम देती है आपको, एक बहुत गुड सपोर्ट सिस्टम है जहाँ पे आपको सपोर्ट के रूप में आपको एक मेंटर मिलता है, एक अपलाइन मिलता है जो आपको समय समय पे आपकी हैंड होल्डिंग करता है, आपको समय समय पे आपको एजुकेशन देता है, जहाँ पे आपको हेल्प रिक्वायर्ड है वहां पे आपको सपोर्ट करता है। सो ये सारी ही सारी चीजें दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में आपको मिलती हैं जो और कहीं भी किसी इंडस्ट्री में आपको नहीं मिलती। अगर मैं बात करूं अब डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में अगर वाई आई एम सी
राइट तो इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के दोस्तों अगर मैं बारे में बताऊं तो हम सभी जानते हैं कि आईएमसी ही क्यों अगर मैं बात बताऊं तो आईएमसी दोस्तों एक पहली ऐसी कंपनी है जो मैं बताऊं कि फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती है। हाँ दोस्तों हम लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में है, हम लोग आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं तो जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए एक तो बहुत ज्यादा ये अच्छा है, बहुत इजी हो जाता है कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को सेल करना, उनको बताना, उनको अवेयरनेस उसके बारे में लेके आना एक बहुत ही इजी हो जाता है। और जो आईएमसी कंपनी है दोस्तों वो 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है, राइट। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आईएमसी दोस्तों एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। आज मैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो उसमें से फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से नाम आता है जो है आईएमसी, राइट। इसके अलावा दोस्तों आईएमसी लेके आई है हमारे लिए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जहाँ पे हमारे पास हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैटेगरी है। हम बात करें तो वी आर इनटू होम केयर प्रोडक्ट्स, वी आर इनटू ब्यूटी केयर, स्किन केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, वेटनरी केयर, तो यानी हमारे पास तमाम वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं दोस्तों वो सारे के प्रोडक्ट्स आईएमसी आपके लिए लेके आई है। एंड अगर आप देखो आज के समय में तो आज का जो समय है आज सारी दुनिया अच्छा स्वास्थ्य लेना चाहती है, अच्छे प्रोडक्ट्स जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी तलाश कर रही है दोस्तों, तो आज की डिमांड भी है और आज की मांग भी है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और हम आयुर्वेद में ही काम कर रहे हैं। तो आगे आने वाला जो समय है दोस्तों वो बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही फ्यूचर है, बहुत ही अच्छा फ्यूचर है आयुर्वेद का जिसमें हम काम कर रहे हैं। और आज आईएमसी कंपनी सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर विदेश में भी हम पहुंच चुके हैं और आगे आने वाले समय में हम बहुत सारे विदेशों में पहुंच जाएंगे, बहुत बहुत सारे विदेशों में हम पहुंच चुके होंगे। एंड दोस्तों ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, यहाँ पे काम करना इसलिए भी बहुत आसान है क्योंकि दोस्तों आईएमसी जो एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आई है जो हमें लाइफ टाइम हमें जरूरत में आता रहेगा, जो हमें डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हमें जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ चाहे वो सोप है, चाहे हमारे शैम्पू है, चाहे हमारे हमारी डेंटल क्रीम है, हमारे ऑयल है, हमारे मसाले हैं, तो ये जितनी भी चीजें हैं हमें डेली काम आएंगी, राइट। और आज के समय में आप जो देख रहे हैं ये जो COVID-19 या लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, छोटे मोटे बिजनेस बंद हो गए हैं, बहुत सारे लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन वहीं पर आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बात करूं और आईएमसी तो आज बहुत अच्छा कर रही है। इनफैक्ट आप जानते हैं कि हमने अप्रैल में बहुत अच्छा काम किया है, आईएमसी ने बहुत जबरदस्त काम किया है क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी हम लोग इंडस्ट्री में है, एक ऐसी मैं बात करूं कि आईएमसी एक ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो हमें लाइफ टाइम जरूरत पड़ेंगे, राइट। तो दोस्तों कल को हो सकता है कोई कंपनी कहीं पर भी किसी भी बिजनेस में मंदी आ सकती है, रिसेशन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में दोस्तों हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में जहाँ पे कभी कोई मंदी नहीं आएगी क्योंकि ये प्रोडक्ट्स हम लोग हर व्यक्ति इस्तेमाल करेगा जब तक वो जिंदा है, लाइफ टाइम इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेगा। सो ये रिसेशन फ्री है, ये हमारा जो बिजनेस है ये रिसेशन फ्री है, हमेशा हम इसमें काम करते रहेंगे और ये प्रोडक्ट्स हमें जरूरत आते रहेंगे जब तक हम लोग लाइफ टाइम हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। सो इसके अलावा दोस्तों जो आईएमसी कंपनी है वो मौका देती है हमें अनलिमिटेड परमानेंट इनकम अपॉर्चुनिटी देती है जिसे हम लोग अपना के एक अनलिमिटेड इनकम अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं और अनलिमिटेड इनकम हम लोग कमा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक इतना अच्छा शानदार कंपनी ने एक बिजनेस प्लान बनाया हुआ है जो सभी के लिए इक्वल है, वो महिलाओं के लिए भी मेल के लिए भी दोनों के लिए इक्वल है। और यहाँ पे एक इंसान आके अपने लिए एक ऐसी इनकम जनरेट कर सकता है कि कल को अगर वो भले ही काम कर पाए या ना कर पाए या कभी वो ब्रेक पे जाना चाहे या हो सकता है कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाए जब वो काम ना कर रहा हो तब भी उसको एक इनकम आती रहेगी। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सिस्टम है जो कंपनी ने बनाया है दोस्तों। इसके अलावा फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो घर पे रह के आज के समय में जो आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया आजकल घर पे बैठी है और ऑनलाइन ही सबसे ज्यादा काम चल रहा है, तो ये आज महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मैं बोलूंगी अपॉर्चुनिटी है कि इसको अपना के आज घर से ही जितनी भी जूम मीटिंग्स हो रही हैं, जितनी भी हम वीडियो कॉल्स पे हम लोग आ रहे हैं, इसके थ्रू प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बता सकते हैं, लोगों को वो अवेयरनेस हम दे सकते हैं। तो दोस्तों बहुत जबरदस्त ये अपॉर्चुनिटी है जो आईएमसी हमारे लिए लेके आई है। अब दोस्तों इतनी सारी बेनिफिट्स कंपनी आपके लिए लेके आई है, हम बहुत सारी चीजें जानते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो आईएमसी कंपनी के बारे में अगर मैं बात करने लगूं तो आई गेस पूरा समय इसी में लग जाएगा क्योंकि आईएमसी कंपनी के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है और हम सभी लोग बहुत जानते भी हैं कि आईएमसी कंपनी की प्रोफाइल है वो कितनी शानदार है, कितनी बढ़िया है।
तो ये सारी चीजें होने के बावजूद भी कई बार मुझसे क्वेश्चन किया है, कई बार हमारी जितने भी एसोसिएट्स हैं, हमारी लीडर्स हैं, फीमेल एसोसिएट्स मुझसे पूछती हैं जब भी हम फेस टू फेस मिले हैं, तो कभी कहती हैं कि मैम वुमेन को एम्पावर कैसे किया जाए। आज वो हमारे साथ काम में तो आ गई हैं, वो जुड़ तो गई हैं, लेकिन उनको एम्पावर कैसे करें, उनको जागरूक कैसे करें कि काम कैसे किया जाए। तो दोस्तों एम्पावर करने के लिए, जैसा मैंने बताया, एक ऑलरेडी एक महिला जो होती है एम्पावर्ड होती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए दोस्तों एक ड्रीम का होना बहुत जरूरी है, राइट? वी शुड हैव अ ड्रीम। दोस्तों अगर हमारा सपना नहीं होगा, या अगर एक फीमेल का सपना नहीं होगा, कोई गोल नहीं होगा, टारगेट नहीं होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट? उसकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। और अपने ऊपर एक बिलीफ सिस्टम होना बहुत जरूरी है कि एक ड्रीम को जो उसने देखा है वो उसे अचीव कर सकती है। और दोस्तों जरूरी नहीं है कि हम एक अंबानी खानदान से हों तो ही हमारा ड्रीम हो सकता है, राइट? हर किसी महिला का ड्रीम होता है, वो ड्रीम छोटा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो ड्रीम एक बंगला हो, मुझे एक अच्छा घर चाहिए, एक बहुत जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छी गाड़ी ही हो। एक सपना, कोई भी सपना, एक छोटा सपना भी हो सकता है, चाहे वो सपना उसके बच्चों की एजुकेशन के लिए हो, एक अच्छी एजुकेशन के लिए हो, उसके घर में उसके हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए हो, फाइनेंशियली वो सपोर्ट करना चाहती है। तो दोस्तों एम्पावर होने के लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी है, राइट? उसके लिए ड्रीम होना बहुत बहुत जरूरी है, राइट? एंड दोस्तों दूसरा, अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी एम्पावरमेंट के लिए, लर्निंग एटीट्यूड का दोस्तों होना बहुत बहुत जरूरी है। आज बहुत सारी फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं जो एसोसिएट्स हैं, एम्पावरमेंट होने के लिए जानना चाहती है कि हम लोग क्या करें। तो दोस्तों हमें लर्निंग एटीट्यूड को रखना पड़ेगा, हमें कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करना पड़ेगा अगर हम सक्सेस पाना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो दोस्तों हमें लर्निंग की जो हैबिट है वो रखनी पड़ेगी, राइट? यहाँ पे कंपनी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। यहाँ पे आजकल आप देख रहे हैं कि हम बहुत सारी जूम मीटिंग्स के थ्रू एजुकेशन दे रहे हैं, चाहे आज हम लोग फेसबुक के थ्रू लाइव हो रहे हैं, तो कंपनी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। यहाँ पे आपको बहुत सारी लर्निंग्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं दोस्तों। साथ ही साथ आपके अपलायंस हैं, आपके जितने भी लीडर्स हैं अपलायंस हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन आवश्यकता है तो सिर्फ एक 1% एक्स्ट्रा लिटिल एफर्ट की जो हमें डालना पड़ेगा, राइट? हमें रोज देखना पड़ेगा कि कल हमने क्या किया और आज जो हम कर रहे हैं वो उससे बेहतर है कि नहीं है। तो डेली दोस्तों अगर हम 1% अगर एफर्ट भी अगर रोज डालते हैं, तो आप देखोगे कि 30 दिन में आप 30% एफर्ट ज्यादा डाल पाओगे। और आप देखोगे धीरे 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 आपका जो ये कंसिस्टेंसी है, ये मोमेंटम बना रहेगा और आप धीरे धीरे अपने सक्सेस की तरफ बढ़ पाएंगे, राइट? तीसरा जो दोस्तों मैं बोलना चाहूंगी एम्पावर होने के लिए, दोस्तों हमें अपना सबसे बड़ा, महिलाओं के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी कि हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ये जो कंफर्ट जोन है ना, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, लेकिन इस जगह से किसी को कोई कुछ हासिल नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये कंफर्ट जोन तो हमें छोड़ना पड़ेगा, जो आज हम घर पे हैं, हमें बाहर जाने की आदत नहीं है, हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। चाहे वो हमारी स्लीपिंग हैबिट है, चाहे हमें दोपहर में नींद आती है, हम सोते हैं, या हम टीवी देखते हैं, या हम जहां पर भी अपना टाइम और इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, इन सब चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, अपने आप को एक चैलेंज देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों एक चैलेंज ही आपको चेंज कर सकता है। और ये चैलेंज में जब हम लोग आते हैं ना, जब आप हम एक ऐसी स्थिति में आते हैं जब हम अपने आप को चैलेंज करते हैं, तो एक्चुअल में हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी कंफर्ट जोन में रहता है, राइट, वो अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पाता जब तक वो एक चैलेंज में ना आए। तो दोस्तों यहाँ पे अपने आप को एक चैलेंज दीजिए, अपने लिए एक टारगेट सेट कीजिए एंड उसको पूरी जी जान लगा दीजिए उसको पूरा करने में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना कंफर्ट जोन को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट मैं बोलना चाहूंगी कि टेक वन स्टेप एट अ टाइम। जितनी भी आज नई नई महिलाएं हमसे जुड़ती हैं, उनका सवाल होता है कि हम काम कैसे करें, हम आगे कैसे बढ़े, अभी हम नए नए आए हैं, हमें मैम बोलना नहीं आता है, हमें ट्रेनिंग्स कंडक्ट करना नहीं आता है। सो दोस्तों मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि आपको एक स्टेप लेना है, एक एट अ टाइम में एक एक स्टेप करके आप धीरे आगे बढ़िए। दोस्तों हमेशा जरूरी नहीं होता कि कॉन्फिडेंस हमेशा आपको कोई बड़ा काम करने से आएगा। जरूरी होता है हमारे लिए हमेशा कि छोटा सा एक इनिशिएटिव लेना, हमेशा जरूरी है कि एक कदम लेना। तो एक जो इनिशिएटिव है वो आपको लेना पड़ेगा, एक कदम उठाना पड़ेगा और एक वन बाय वन आप एक स्टेप लेके आप इसमें आगे बढ़ सकते हो, आप इंडस्ट्री में आगे बढ़ सकते हो। आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी लर्निंग हैबिट के साथ में। आप बुक पढ़िए,
जूम मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू कर दीजिए, आप वीडियोस देखिए एंड धीरे धीरे फिर आप नेक्स्ट स्टेप लीजिए जहां पे आप लिस्ट बनाना सीखोगे कि हमें लोगों को कैसे अप्रोच करना है, फिर आप उनको इनवाइट कैसे करोगे एंड उनसे बातचीत कैसे करोगे, अपॉर्चुनिटी कैसे रखना है. तो ये धीरे 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 हम लोग ये सारी चीजें दोस्तों सीख सकते हैं. एंड लास्ट में इसमें बोलना चाहूंगा बट नॉट द लीस्ट कि एम्पावर होने के लिए दोस्तों हम सारे काम कर लेते हैं, लेकिन कई बार एक वक्त ऐसा आता है जहां पे हम थक जाते हैं, हार जाते हैं एंड गिव अप करने की कोशिश करते हैं. सो जितनी भी महिलाएं मुझे यहाँ पे सुन रही हैं दोस्तों, मैं बोलना चाहूंगी डोंट गिव अप, नेवर एवर गिव अप, कभी भी गिव अप नहीं करना है. बहुत बार ऐसा होगा कि आपको सुनने में आएगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये तो तुमने कहा था कि ऐसा हो जाएगा, ये तो ऐसा नहीं हो रहा है, तुम काम नहीं कर पा रही हो, बहुत सारे ताने सुनने मिलेंगे. और ऐसा समय आएगा जब आप ध्यान रखना है कि आपने इस अपॉर्चुनिटी को क्यों ज्वाइन किया था, राइट? तो गिव अप नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि आप एक सिक्योर्ड हैंड्स में हैं, राइट? आप आईएमसी के साथ हैं, जहां पे आईएमसी परिवार आपके साथ है, आपकी अपलाइन आपके साथ है, आपकी मैनेजमेंट आपके साथ है. तो लेकिन हमें सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखना है कि हमें गिव अप नहीं करना है. और दोस्तों मैं बात अगर मैं करूं, अगर मैं बताना चाहूं तो पुरुष के मुकाबले एक जो महिला होती है उसके अंदर एक इमोशन और पैशन जो है, राइट, वो ज्यादा होता है. इमोशन और पैशन ज्यादा होने की वजह से उसकी जो टॉलरेंस पावर है वो भी ज्यादा होती है. इसीलिए आपने देखा है कि आज बहुत सारी महिलाएं, अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी महिलाएं आज सक्सेसफुल हैं, राइट? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करना चाहूँ कि जितनी भी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आज सक्सेसफुल है, आपने नाम सुना होगा शहनाज हुसैन का, राइट? जो एक छोटे से एक प्रोडक्ट को लेके, एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हुए आज एक प्रोडक्ट को लेके इतना बड़ा एम्पायर अपना बिजनेस का खड़ा कर चुकी है. एंड आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज उसको नहीं जानता होगा. दूसरे एग्जाम्पल में लेना चाहूंगी कल्पना सरोज. दोस्तों कल्पना सरोज की जो स्टोरी है, आई एम श्योर आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं है तो प्लीज इसको सर्च कीजिएगा. क्योंकि जो कल्पना सरोज है एक बहुत ही छोटे गाँव से बिलोंग करती है एंड बहुत ही कम उम्र में, एक सिर्फ 12 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी गई थी. एंड शादी होने के बाद जब वो ससुराल में गई तो बहुत सारा वायलेंस उसको झेलना पड़ा, मारपीट होती थी घर में. तो एक दिन उसने डिसाइड किया कि मैं घर को छोड़ दूंगी. तो वो घर को छोड़ के दोस्तों मुंबई चली गई एंड वहां से उसने काम करना शुरू किया, जहां पे उसके पास पैसे नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं था. 2 रुपए से उसने एक बिजनेस को शुरू किया, एक फर्नीचर के काम से शुरू करा. एंड चलते चलते जो एक कमानी ट्यूब्स जो कंपनी है जो उस समय में बर्बाद हो चुकी थी एंड बंद हो चुकी थी, उस समय में कल्पना सरोज ने उस कंपनी को खरीदा, उसके जितने भी ड्यूज थे उसको क्लियर करा एंड आज उसको एक बहुत अच्छे वेंचर पे खड़ा किया है. और आज वो 2 रुपए से, आज वो जो चल के उनका जो सफर है, आज वो 2000 करोड़ का सफर तय कर चुकी है. आज वो एक 2000 करोड़ की कंपनी की मालकिन है. जहां पे उनके पास एक रहने के लिए घर नहीं था, आज उनके पास, आज वो बिल्डर है, लोगों को घर बना के दे रही है. दोस्तों ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अगर हम देखना चाहें. एंड हमें इतने दूर जाने की जरूरत ही नहीं है. अगर हम बात करें आईएमसी में, तो आईएमसी में आज ऐसी कामयाब महिलाएं हैं हमारे साथ, इतनी लीडर्स हैं जो हमारे, जितनी भी फीमेल एसोसिएट्स हैं आज लीडर्स हैं जो कामयाब है. तो सबसे पहला आपको मैं बताना चाहूँ जो हमारे रोल मॉडल हैं, हमारी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, मैं बोलना चाहूंगी जो हमारी दीपशिखा जी हैं, आज ये सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल है. आज आप उनको देख सकते हो कि वो कितनी अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो पर्सनल डेवलपमेंट ट्रेनर हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं. तो आप देख सकते हो कि आज किस तरह उन्होंने भी अपनी जिंदगी को चेंज किया. अगर मैं बात करना चाहूँ तो हमारी बहुत सारी ऐसी लीडर्स हैं, प्रीति सूद मैम जिनको हम जानते हैं, जो एम्बेसडर स्टार हैं, हमारी सीपी क्राउन प्रेसिडेंट सिद्धि मैम जो पल्लवी मैम है उनको हम जानते हैं, नीतू हैं, नीतू शर्मा दिल्ली से हैं, पूनम चतुर्वेदी हैं, मैं बात करना चाहूँ तो मुनेश है, सुचित्रा जैन है. तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल हमारे बीच में ही, आईएमसी में ही है, जिन्होंने इन सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए अपने आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है और आज अपने लाइफ में सक्सेसफुल है. आप देख सकते हैं आज इसी अपॉर्चुनिटी को लेके आज उन्होंने इतना लंबा सफर तय किया है. तो क्या ये परेशानियां उनके सामने नहीं आई होंगी? क्या उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा होगा? आज उनके पास भी फैमिलीज हैं, उनके भी बच्चे हैं, परिवार हैं. मैं बात करना चाहूँ जो हमारी यंग एम्बेसडर स्टार आफरीन मेमन जो मैम है, उनको आप देख सकते हैं, आज वो एक आइकन है हमारे आईएमसी में. आज लोग इंस्पायर होते हैं उनको देखते हुए. लेकिन दोस्तों इन सभी ने उन चैलेंजेस को फेस किया है जो एक आम तौर पे हर एक महिला करती है. तो दोस्तों अगर वो कर सकती है तो आप क्यों नहीं? इफ शी कैन यू कैन, राइट? ये बहुत जरूरी है
कि दोस्तों हम अपनी कैपेबिलिटीज को और अपनी शक्ति को जानें और हम आगे बढ़ें। दोस्तों साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक और आज बात करना चाहूंगी। जो लास्ट हमारा प्रोग्राम हुआ था इस सीरीज में, इस एपिसोड में आपने देखा होगा, हमारी मेरी जो फ्रेंड है एंड कुलीग है सुनीता चंचानी जो है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने बहुत अच्छे टिप्स आप लोगों को बताए एंड बहुत अच्छा उन्होंने एक सेशन किया। उन्होंने पूरा बताया कि एक महिला को कैसे एम्पावर किया जाता है एंड बहुत अच्छी स्टोरी हमें सुनाई। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आज आप लोगों से एक वेमेन की जो हेल्थ है उसके बारे में बात करना चाहूंगी, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेमेन हेल्थ, क्योंकि आज ये बहुत बड़ा कंसर्न है। आज अगर हम इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहते हैं, आज अगर हम लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये तभी पॉसिबल होगा जब हम अच्छे, जब हम हेल्दी साउंड करेंगे, जब हम अच्छी हमारी हेल्थ होगी। अगर क्योंकि दोस्तों अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। सो बहुत जरूरी है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना ध्यान रखें, हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों महिलाओं के लिए, अगर मैं महिलाओं की बात करूं, तो एक जो महिला होती है वो उसकी लाइफ में बहुत सारी स्टेजेस से गुजरती है, राइट। जो एक महिला होती है जब वो छोटी होती है तो एक चाइल्डहुड की स्टेज में होती है, देन वो चाइल्डहुड से एक एडोलेसेंस में आती है जो किशोर अवस्था होती है, उसके बाद एक महिला प्रेग्नेंट भी होती है, प्रेगनेंसी के बाद एक लैक्टेशन पीरियड में आती है जहाँ पे वो बेबी को फीड करती है, राइट। उसके बाद एक मेनोपॉज, एक ऐसा समय आता है जहाँ पे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, जो मंथली साइकिल्स है, जो स्टॉप हो जाती है, एंड वृद्धावस्था आती है, राइट। इस दौरान दोस्तों उसको बहुत सारे मैं बात करूं तो शारीरिक और सामाजिक बहुत सारे चेंजेस एक महिला के अंदर आते हैं। दोस्तों ये जो चेंजेस हैं, ये जो प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है, हम इसको बदल नहीं सकते, राइट। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हम इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी एक्स्ट्रा केयर करें, राइट। हमें अपनी एक्स्ट्रा केयर करने की बहुत बहुत जरूरत है, क्योंकि दोस्तों एक महिला दुनिया के लिए एक व्यक्ति हो सकती है, राइट, लेकिन उसके परिवार के लिए वो पूरी दुनिया है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा है कि कई बार हमारी जब तबीयत खराब हो जाती है, अगर हमारे सर में भी दर्द हो जाता है किसी दिन, अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं होती तो पूरा परिवार बीमार हो जाता है, राइट। क्योंकि पूरा परिवार हम पे डिपेंडेंट होता है। किसी दिन हम ठीक नहीं होते हैं, या हम सुबह उठ के अगर बच्चों को टिफिन नहीं दे पाते हैं, या अपने हस्बैंड को प्रॉपरली नहीं भेज पाते हैं, तो आपने देखा है पूरे घर का माहौल भी अस्त व्यस्त हो जाता है एंड पूरा घर का जो माहौल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, अगर उनकी फैमिली की अगर हेल्थ को हम अच्छा रखना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें एंड अपनी हेल्थ को सुधारें, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ वुमेन हेल्थ के फैक्ट्स को आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगी कि शायद आप लोग जानते होंगे, आपने देखा भी होगा, जो वुमेन्स होती हैं दोस्तों, राइट, ऑन एन एवरेज एक पुरुष कम से कम भी 6 से 8 साल ज्यादा जीवन जीती हैं, राइट। एंड 50% वुमेन आज के समय में बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस को फेस कर रही है एंड उनके साथ जी रही है, राइट। तो मैं कुछ यहाँ पे कॉमन हेल्थ चैलेंजेस के बारे में बात करना चाहूंगी दोस्तों, जो एक महिला अपने जीवन में देखती है। तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा जो देखने में आया है, एक जो महिला होती है वो एनेमिया, जो एक डिजीज है, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। क्योंकि दोस्तों इस बीमारी में अगर हम बात करें एनेमिया में, तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर उनमें कमी आ जाती है, राइट, एंड उसके वजह से हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी होती है। तो जितनी भी महिलाएं हैं जिनको दिन भर में कमजोरी महसूस होती है, टायर्डनेस होता है, वो अक्सर चिड़चिड़ी हो जाती हैं। हम देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हमारा शरीर, अगेन, अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो हम लोग अपने काम में भी ध्यान नहीं लगा पाते हैं। आपने कई बार देखा होगा हम घर में कोई चीज रख के भूल जाते हैं, हमारा कॉन्सेंट्रेशन पूरा अच्छे से नहीं बन पाता है, राइट। हम अपनी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी बढ़िया से हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एनेमिया की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे ज्यादा परेशानी क्यों आती है अगर इसकी बात करा जाए कि दोस्तों जो एवरेज इनटेक, जो अगर हम बात करें एक महिला को अपने दिन में एक खाने पीने के माध्यम से लेना चाहिए, तो वो 2200 कैलोरीज एक महिला को अपने दिन में लेना चाहिए। लेकिन देखा गया है ऑन एन एवरेज कि एक महिला दिन में सिर्फ 1400 कैलोरीज ही लेती है, राइट। क्योंकि आपने देखा होगा घर में कई बार जब खाना हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले महिला अपने घर में खुद खाना नहीं खाती है, भोजन नहीं करती है, लेकिन अपने फैमिली को सबसे पहले परोसती है,
राइट, हम अपनी फैमिली को सर्व करते हैं, पहले हस्बैंड को, बच्चों को, सब उनको पहले खिलाती है, बाद में अगर कुछ बच जाता है राइट तो उसे खा लेती है, वो ज्यादा ध्यान नहीं देती है अपने ऊपर, राइट, जो भी बना है या जो बच जाता है उसी को खा लेती है। इसी के वजह से दोस्तों उनके अंदर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आ जाती है एंड इतनी सारी कमजोरी आ जाती है, क्योंकि वो अपना एक्चुअल इनटेक जो उनको पौष्टिक तत्व मिलना चाहिए एक दिन में वो नहीं ले पाती है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूं इसकी परेशानियों की, अगर मैं एनीमिया की बात करूं, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ज्यादातर, अगर मैं हिंदुस्तान में बात करूं, जो आज एनीमिक है, 40% जो प्रेग्नेंट लेडीज आज हिंदुस्तान में वो इस परेशानी से झेल रही हैं। दूसरा अगर मैं दोस्तों बात करूं, अगर एनीमिक के दोस्तों में मैं बात करूं, तो यहाँ पे आईएमसी जो कंपनी है बहुत शानदार प्रोडक्ट हम लोगों के लिए लेके आई है जो इस परेशानी को बहुत दूर कर सकता है और हम इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स हैं, महिलाएं जो मुझे सुन रही हैं दोस्तों, हमें बहुत जरूरी है कि हम डेली एक वीट गोल्ड टैबलेट, आप जानते हैं दोस्तों आईएमसी वीट गोल्ड टैबलेट यहाँ पे लेके आई है, सो वीट गोल्ड टैबलेट डेली हमें लेना चाहिए, जो हमारे हेमोग्लोबिन को भी अच्छा रखेगा, राइट, उसको मैनेज करेगा, साथ ही साथ जो हमारी आयरन डिफिशियंसी कई महिलाओं में पाई जाती है, राइट, उसकी कमी को भी पूरा करता है। हम यहाँ पे डेली डाइट भी ले सकते हैं या सुपर नरिश मोरिंगा, सो ऐसी बहुत अच्छी ये कंपनी टैबलेट्स दोस्तों हम लोग लेके आई है जो डेली हमें लेना बहुत जरूरी है, ताकि जितनी भी दिन भर में हमारी जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हमें हो जाती है, जो हम खाने पीने के माध्यम से नहीं ले पाते हैं, वो ये सारी कमी पूरी करता है। दूसरा जो सबसे ज्यादा कॉमन हेल्थ इश्यू है अगर मैं भारत में देखा जाए तो दोस्तों वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो यानी अगेन आप समझ पा रहे हैं कि हड्डियों की समस्या। तो दोस्तों हर साल अगर मैं देखा जाए, अगर मैं आपसे ये डेटा शेयर करूं, सो हर साल कम से कम भी 15 लाख लोग इस बीमारी से सफर होते हैं, राइट, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, एंड हर साल जो महिला मीनोपॉज में चली जाती हैं, मीनोपॉज के दौरान उनका हर साल 3% बोन मास लूज होता है एवरी ईयर, राइट, 3% जो उनका मसल, जो बोन मास होता है उसमें कमी आती है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी एक समस्या है जो बहुत सारी फीमेल्स अक्सर झेलती हैं, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और कैल्शियम और विटामिन डी की दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूं, तो यहाँ पे देखा गया है कि हमारी जो महिलाएं हैं घर में, हम जानते हैं कि अगर हमें बोन्स को स्ट्रांग करना है तो हमें कैल्शियम इनटेक हमारा अच्छा होना चाहिए, हमें विटामिन डी लेना चाहिए, एंड जो हमारे खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी डाइटरी चीजें हैं, हम जैसे दूध से हमारा जो कैल्शियम है हमें मिलता है, राइट, यहाँ पे अगर देखा जाए मैं बात करूं तो एक अगर विमेन है उसको कम से कम, अगर कैल्शियम की मैं इंटेक की बात करूं तो कम से कम एक महिला को 1200 mg की रिक्वायरमेंट होती है एक दिन में, और वहीं पर जो एक पुरुष है उसका जो डेली कैल्शियम का जो इंटेक है, जो रिक्वायरमेंट है, वो 600 mg है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि घर में सबसे ज्यादा दूध कौन पीता है, राइट, महिलाएं अक्सर आपने देखा है, क्योंकि हम हमेशा गिविंग नेचर है, हम हमेशा अपने फैमिली के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो पुरुष ज्यादा दूध पीते हैं, राइट, और जहां पे ये रिक्वायरमेंट किसकी है, राइट, फीमेल की है, अगेन क्योंकि फीमेल का एक गिविंग नेचर है तो हम हमेशा अपने फैमिली पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगी कि कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। एंड आपने देखा होगा जितनी महिला जैसे जैसे आगे एज में आगे बढ़ती जाती हैं, जब हम 30-40 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो हमारे जो फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। कई बार देखते हैं कि हम गिर जाते हैं, हल्का सा अगर हमारा पैर भी स्लिप हो जाता है तो हमारी जो हमारी बोन है वो फ्रैक्चर हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे कंपनी एलोकैल डी, आईएमसी का एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है एलोकैल डी, जिसे लेके हम इन सारी प्रॉब्लम से दूर रह सकते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगी जितनी भी फीमेल्स हैं कि हमें डेली रोजाना हमें एक टैबलेट एलोकैल डी की हमें जरूर से लेनी चाहिए, जो बेहद बेहद जरूरी है। तीसरी जो कॉमन सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यू है दोस्तों वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। आज हिंदुस्तान में दोस्तों अगर मैं बात करूं एज पर न्यूट्रिशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल फैमिली हेल्थ के सर्वे के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो जितनी महिलाएं एज कम्पेयर टू मेन यहाँ पे देखा गया है कि जो वेमेन है वो ज्यादा मोटापे के शिकार होती है। मोस्टली जो वेमेन है आपने देखा होगा वो प्रेगनेंसी के बाद वेट गेन कर लेती है, राइट, या बहुत सारी महिलाएं हैं वेट गेन कर लेती हैं बिकॉज ऑफ सिडेंट्री लाइफस्टाइल, या हमारा वर्कआउट नहीं होता या जितना भी हम जंक खाते हैं उसके वजह से भी हमारा वेट गेन हो जाता है। और ये वेट गेन होने की वजह से आज बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो बहुत सारी हेल्थ रिस्क फैक्टर की ओर बढ़ सकती है। हमारा जो हेल्थ रिस्क फैक्टर है वो बढ़ सकता है अगर हमारा वजन बढ़ता है।
दोस्तों, इससे हमारी लाइफ कम हो सकती है. हमने देखा है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिटेरियट हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि जब हम मोटे होते हैं, हमारा अगर हमारा बॉडी अगर हमारी हैवी होती है तो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कहीं ना कहीं हैम्पर करता है. हम उतनी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, हम उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, एंड इसी वजह से जो हाइपर टेंशन है वो बीमारी भी जन्म ले सकती है किसी एक महिला के अंदर. एंड दोस्तों, जो मोटापा है वो डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, अर्थराइटिस एंड कैंसर जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं. तो दोस्तों, इस ओबेसिटी को भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. एंड दोस्तों, जितनी भी महिलाएं इस परेशानी से गुजर रही हैं, जिनको ये परेशानी है, उनको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा होता है. अगर हमने देखा देखा जाए तो जितनी भी अक्सर फीमेल्स हमने देखी हैं जो इन सारी रीजंस के वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर ओबेसिटी आ जाती है, उनका जो सेल्फ इमेज है, राइट, कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है. आपने देखा है वो पार्टीज में नहीं जाना चाहती हैं, वो बाहर लोगों के पास नहीं जाना चाहती हैं. तो दोस्तों, उनकी कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है. तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, हम ओबेसिटी का भी ध्यान रखें दोस्तों. तो यहाँ पे कंपनी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आई है जिसके वजह से जितनी भी आज इस प्रॉब्लम से जितनी भी महिला गुजर रही हैं, जो फेस कर रही हैं, वो फैट अवे की टैबलेट की मदद से अपने फैट को कम कर सकते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं. तो दोस्तों, फैट अवे टैबलेट के साथ साथ यहाँ पे हमें सिर्फ फैट अवे से काम नहीं चलेगा, हम लोग यहाँ पे एलोवेरा भी उसको दे सकते हैं, हिमालयन बेरी जूस भी दे सकते हैं, स्पायरुलिना टैबलेट जो बहुत अच्छा सोर्स है हमारा प्रोटीन का, सो वो भी हम ले सकते हैं. साथ ही साथ यहाँ पे श्री तुलसी भी हम लोग उसको सजेस्ट कर सकते हैं. एंड दोस्तों, लास्ट जो प्रॉब्लम है मैं वो शेयर करना चाहूंगी, जो सबसे ज्यादा एक वुमेन के लाइफ को अफेक्ट करती है, वो है मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड फीमेल की हाइजीन की. अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हर एक लड़की, राइट, जब भी जन्म लेती है, कोई भी महिला इस जो इस दुनिया में है, अगर मैं बात करूं तो 10 से 12 साल की जो वर्ग में जो लड़कियां आती हैं, जब 10 से 12 साल की अवस्था में आती है, तो 10 से 12 साल से लेके 45 से 50 साल तक हर एक महिला को, राइट, अपने लाइफ में इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल से गुजरना पड़ता है, राइट. एंड दोस्तों, जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी जानती हैं कि ये मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, राइट. कई महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है, लाइक बैकएक हो गया, कमर में दर्द होना, सर में दर्द होना, राइट, हॉट फ्लैशेस का होना, बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, हमें इरिटेशन होती है, हमारी जो एपेटाइट है वो कहीं ना कहीं, हमारी भूख खत्म हो जाती है, राइट, हमारी इरेगुलर पीरियड्स में बहुत सारी परेशानी हमें आती है. तो दोस्तों, इन सभी का समाधान IMC जो लेके आई है, मैं बात करना चाहूंगी प्यारी सहेली का, यहाँ पे टैबलेट और सिरप जो आज बहुत सारी महिलाओं के लिए वरदान है, क्योंकि ये इतना जबरदस्त और इतना शानदार प्रोडक्ट है. इन सारी साइड इफेक्ट से हमें बहुत ज्यादा रिलीफ दिलाया है, एंड बहुत सारे लोगों ने इसको यूज किया है एंड बहुत अच्छा फीडबैक शेयर किया है, जो लोगों को, बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है दोस्तों. सो हम यहाँ पे ऐसी समस्याओं में प्यारी सही टैबलेट एंड सिरप हम लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं. एंड साथ ही साथ दोस्तों, इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमने देखा है जो पीरियड्स में आने वाली, जो मंथली साइकिल्स में आने वाली जो समस्या है, अक्सर हमने देखा है कि मार्केट में आज हम देखते हैं दोस्तों, बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबल है. बहुत सारी कंपनियां आज भारत में अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंपनी इसको सैनिटरी नैपकिन्स को बना रही हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान में एक मेडिकल प्रोडक्ट समझा जाता है. तो आज बहुत सारी कंपनियां इसको लेके आ रही हैं और बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च नहीं होती है, बहुत सारे कोई कंट्रोल्स नहीं है इनको देखने के लिए कि कितने सेफ हैं, कितने सेफ नहीं है, और हर महिला इसको जस्ट एक यूज करने के पर्पज से दोस्तों इस्तेमाल करती है, जस्ट यूज एंड थ्रो के लिए वो जो भी अफोर्डेबल उसको लगता है वो उसको इस्तेमाल कर लेती है. लेकिन मैं दोस्तों आज कहना चाहूंगी, जितनी महिलाएं मुझे सुन रही हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी कि ये सैनिटरी नैपकिन का चयन करना बहुत सोच समझ के हमें करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी पे हो सकते हैं. अगर मैं कुछ एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँ तो जैसे आपने देखा है कि बहुत सारी महिलाएं जो गलत सैनिटरी नैपकिन यूज करती हैं, उसके वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनको हो सकता है, राइट, रैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है, इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड सर्वाइकल कैंसर जैसी बड़ी समस्याएं भी आ सकती हैं. तो दोस्तों, हमें IMC का जो मैग्नेटिक एनर्जी एनायन सैनिटरी नैपकिन है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी कि एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है जो कंपनी ने लॉन्च किया है महिलाओं के लिए. तो दोस्तों, ये 100% कॉटन से बना हुआ है, एंड अगर इसमें इसकी बात करूँ IMC के सैनिटरी नैपकिन के बारे में, तो इसके अंदर दोस्तों हमने
सैप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हुई है, जिसके वजह से इसका जो एब्जॉर्प्शन है, आज मैं कंपेयर करूँ मार्केट में कोई भी ब्रांड से, तो इसका एब्जॉर्प्शन 3 से 5 गुना ज्यादा है, राइट? क्विक एब्जॉर्प्शन है, कोई भी रैशेज की प्रॉब्लम नहीं होती है, नो डिस्कम्फर्ट, एंड इजिली हर महिला इसको यूज कर सकती है. तो दोस्तों, अगर हमें इन सारी समस्याओं से बचना है, राइट, अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं एंड हम कंफर्टेबल रहना चाहते हैं उन दिनों में भी, तो हम बहुत जरूरी है कि हम एक कंपनी जो IMC कंपनी एनायन सैनिटरी नैपकिन लेके आई है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए. इनफैक्ट जितने भी पुरुष हैं, जो मेल हैं, मेरे एसोसिएट से जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगी कि वो भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. उनकी जितनी भी घर में वाइफ हैं, डॉटर हैं, सिस्टर हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में बताएं, इसके बारे में अवेयर कराएं, नॉलेज दें कि ये क्यों ज्यादा जरूरी है, राइट? तो दोस्तों, इन सारी चीजों के साथ में मैं आज महिलाओं से कहना चाहूंगी कि दोस्तों, ये बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है. IMC की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास जबरदस्त कंपनी का प्रोफाइल है, हमारे पास जबरदस्त प्रोडक्ट है, हमारे पास जबरदस्त प्लान है. तो दोस्तों, हम यहाँ पे बहुत अच्छे से अपने सपनों को दोस्तों पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है. IMC की अगर मैं बात करूं, तो जबरदस्त बिजनेस प्लान है दोस्तों, जिसपे चल के हम जितने भी लीडर्स आज कामयाब हुए हैं, जिनको भी हम देख रहे हैं, बिल्कुल हम भी उसी तरह कामयाब हो सकते हैं. मैं आज दोस्तों इस अपनी वाणी को यहीं पे आराम देना चाहूंगी एक स्टोरी के साथ में. एक स्टोरी आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी. दोस्तों, एक गाँव में एक स्टोरी मैं आपसे बताना चाह रही हूँ. एक गाँव में एक विद्वान होता है, राइट? एक बाबा जी होते हैं, एक बहुत ही विद्वान होता है, जो 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 भी बात कहता है वो सच हो जाती थी. तो जहाँ गांव में हर कोई व्यक्ति उनके पास जाना चाहता था, अपने परेशानियों के बारे में उनसे पूछता था, या जो भी उनको डिफिकल्टीज आती थी या कोई भी प्रॉब्लम आती थी, वो उनके पास जाता था और जो भी वो बोलते थे एक्चुअल में वैसा ही हो जाता था. वो जो भी वो कहते थे वो सच होता था. तो उसी गाँव में दो बदमाश लड़के भी थे, राइट? उन्होंने सोचा कि यार, ये जो बाबा है, ये जो भी कहते हैं वो सच हो जाता है, राइट? तो हमें इनकी बात को गलत साबित करना है, हम इनको गलत साबित करके रहेंगे. तो उन्होंने एक प्लान बनाया, राइट? उन्होंने ये प्लान बनाया कि हम बाबा जी के पास जाएंगे और उनसे सवाल पूछेंगे कि बताइए बाबा जी, मेरे हाथ में एक चिड़िया का बच्चा है, बताइए कि वो जिंदा है कि मरा हुआ है. अगर बाबा जी बोलेंगे कि ये जिंदा है, तो हम इसको मुट्ठी में ही मार देंगे. अगर वो कहेंगे कि ये मरा हुआ है, तो हम इसको जिंदा छोड़ देंगे, राइट? तो अगले दिन बाबा जी के पास गए, राइट? और उन्होंने बाबा जी से पूछा, बताइए बाबा जी, मेरे हाथ में एक चिड़िया का बच्चा है, बताइए वो जिंदा है कि मरा हुआ है. तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये तो आप ही के हाथ में है, आप चाहे तो इसको जिंदा छोड़ दो और आप चाहे तो इसको मार दो, राइट? तो दोस्तों, जितनी भी महिलाएं मुझे यहां सुन रही हैं, तो दोस्तों, आज ये अपॉर्चुनिटी है कि आप आज इसे अपना के अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं, अपनी फैमिली को, अपने फैमिली के सपनों को पूरा कर सकती हैं, राइट? इस अपॉर्चुनिटी को अपना के आज आप अपना लाइफस्टाइल पूरा कर सकती हैं, लाइफस्टाइल को चेंज कर सकती हैं. तो दोस्तों, ये बिल्कुल आप ही के हाथ में है. आप चाहे तो इस अपॉर्चुनिटी को आज अपना के अपनी लाइफ को बदल सकती हैं, और चाहे तो आज आप इस अपॉर्चुनिटी को यहीं पे छोड़ सकती हैं. ये फैसला आपको करना है, ये फैसला बिल्कुल आपके पास है. आप चाहें तो आज अपनी जिंदगी को बदल सकती हैं, जो आप नहीं बदल पाई हैं. तो दोस्तों, ये फैसला मैं बिल्कुल आपके पास ही छोड़ना चाहूंगी. एंड इसी के साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी IMC की मैनेजमेंट को, जो हमारे डॉक्टर अशोक भाटिया हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं कंपनी के, एंड हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर सत्यन भाटिया सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मुझे IMC फैमिली का मेंबर बनाने के लिए, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं IMC फैमिली की मेंबर बन पाऊं. एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारे AVP ट्रेनिंग हेड, जो हमारे न्यू जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, संदीप पाही जी, जिनका इतना अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है, जिनके वजह से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं. एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारे अनुप सिंगल सर, जो हमारे GM हैं ट्रेनिंग के, जिनके वजह से आज टीम में एक अलग ही एनर्जी है, एक अलग ही जोश है, जो आप देख पा रहे होंगे जितनी हम जूम ट्रेनिंग्स हमारे जितने भी एरिया मैनेजर्स कर रहे हैं. तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी हमारे अनुप सर को इतने अच्छे अच्छे हमें मॉड्यूल देने के लिए, ताकि हम अपने एसोसिएट्स को और अच्छा एजुकेशन दे पाए. एंड जितने भी मेरे कोलीग्स हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं IMC में, जितने भी एरिया मैनेजर्स हैं, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी इतना अच्छा सपोर्ट करने के लिए.
एंड जितने भी हमारे स्टाफ हैं, लीडर्स हैं जिन्होंने दिल्ली में मुझे सपोर्ट किया है, प्रेम सर है, टीम है, एंड जितने भी हमारे ओवरऑल लीडर्स हैं जिन्होंने मुझे 2.5 साल में, क्योंकि दोस्तों मुझे 2.5 साल हो गए हैं एमसी कंपनी में, सो ये 2.5 साल बिना आप लोगों के सपोर्ट के शायद मैं इतने अच्छे से पूरा नहीं कर पाती. सो थैंक यू सो मच इतना अच्छा मुझे एक्सपीरियंस देने के लिए. एंड थैंक यू सो मच एवरी वन जो भी आज काम कर रहे हैं हमारे सारे डिपार्टमेंट्स, राइट, चाहे वो वेयर हाउस है, सेल्स है, आई टी है, एवरी वन जो भी यहाँ पे काम कर रहा है, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सभी को. एंड थैंक यू वंस अगेन दीपशिखा मैम, इतनी जबरदस्त आपने मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया सो दैट आज मैं यहाँ पे अपनी मन की बात यहाँ पे कर पाई जो शायद मैं आज तक नहीं कर पाई. एंड आपने बहुत अच्छा मुझे मौका दिया महिलाओं से जुड़ने का और अपनी बात रखने का. सो इसके लिए थैंक यू सो मच दीपशिखा जी एंड शुभकांत सर, थैंक यू सो मच. ओवर टू यू मैम. थैंक यू सो मच रेणु जी, और क्या कहूँ, मैं सुनती ही आ रही हूँ आपको. एंड दो जो बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट्स हैं जो शायद यू नो मैं भी इन चीज़ों के बारे में, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैं सोचती थी और मैं कुछ अपनी मीटिंग्स में भी कहती आई हूँ, और आपने उसको और बखूबी तरीके से बताया. फर्स्ट इसकी काफ़ी बारी महिला कहती है कि मैम हम अपने कम्फर्ट लेवल से कैसे काम करें, राइट, सो दे आस्क अस हम अपने कम्फर्ट लेवल से कैसे काम करें. तो मैं यही कहती हूँ कि जब हम अनकंफर्टेबल होंगे ना तभी हम बेहतर काम कर पाएंगे. जब हम कंफर्टेबल हैं हम नहीं काम कर पाएंगे. अगर मैं और आप दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर रेनू मैम या दीपशिखा, अगर आज हम लोग कंफर्टेबल होते ना तो शायद हम आप लोगों से इस तरह रूबरू नहीं हो पाते, बात नहीं कर पाते. अगर हम कंफर्टेबल होते तो कहीं ना कहीं आपकी तरह हम घर पे बैठ के सिर्फ सुन रहे होते, राइट. सो हम भी चाहते हैं आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो. और जितनी महिलाएं जो इस सीरीज में अभी तक नहीं आई हैं, मैं कहूंगी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएं आप सब और आए इस मंच पे. और रेणु जी, मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपसे करना चाहूंगी जी, जो मुझे लगता है एज एन एरिया मैनेजर आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगी, क्योंकि आप भी काफी हमारी आईएमसी लेडीज को लीड करती हैं, उनसे डिस्कशंस करती हैं, मीटिंग्स में मिलती हैं. तो काफी लेडीज जो हिचकिचा रही हैं इस वक्त, जो अभी तक इस मंच पे आकर नहीं बोल पा रही हैं या बोलना नहीं चाह रही हैं या घबरा रही हैं, आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगी? जैसे कि मैम मैंने पहले भी बताया, जितनी भी हमारी नई महिलाएं हैं, जितनी भी नई एसोसिएट्स हैं जो हमें अप्रोच करती हैं, जो अक्सर सवाल करती हैं कि मैम हमें बात करना नहीं आता, हमारे में ये स्किल नहीं है, हम ट्रेनिंग्स नहीं जानते, हम प्रोडक्ट को नहीं जानते हैं, हम लोगों से बात करना हमें नहीं आता है, सो मैं उन सभी को दोस्तों ये कहना चाहूंगी कि हमें, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, राइट. हर कोई व्यक्ति जो भी इस बिजनेस में जुड़ा है या कोई भी महिला जब आती है, जो भी इस इंडस्ट्री में आता है दोस्तों, वो सीधा एक सीधा चेयरमैन नहीं बन जाता है, उसको भी बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, बेसिक लेवल से शुरू करना पड़ता है. एंड आई थिंक आईएमसी जो एक प्लेटफॉर्म, एक अपॉर्चुनिटी है, इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे आपको इतना जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है आपकी अप्लायंस के थ्रू, एंड जितने भी एरिया मैनेजर्स हैं, कंपनी का मैनेजमेंट है, आपको धीरे धीरे ट्रेन करता है, बेसिक नॉलेज आपको देता है. तो आप सिर्फ शुरू करिए, एक स्टेप बाय स्टेप चलिए कि आप लर्निंग से शुरू करिए. जैसा मैंने पहले भी बोला कि आप अभी जितनी भी जूम मीटिंग्स चल रही हैं, ये सबसे अच्छा टाइम है, यहाँ पे आप जुड़ के बहुत सारी एजुकेशन ले सकती हैं, सीख सकती हैं कि हमें कैसे बात करनी है, राइट, प्रोडक्ट्स क्या है हमारे, हम प्रोडक्ट्स के बारे में सीख सकते हैं. तो ये सारी स्किल्स हैं जो आईएमसी आपको सिखाती है, आपको एक स्किल देती है. तो ये सारी की सारी चीजें आप धीरे 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 करके सीख जाएंगे, लेकिन उसके लिए अगेन इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको एक स्टेप खुद बढ़ के आगे आना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे. थैंक यू. मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी महिलाएं इस वक्त हमें सुन रही हैं वो समझ पा रही होंगी कि क्यों इस प्लेटफॉर्म में आना आपका बहुत जरूरी है. आप बेशक आईएमसी में काम कर ही रही हैं, लेकिन आईएमसी में काम कर रही हैं लेकिन ऐसी काफी और महिलाएं हैं, शायद आपसे वो प्रेरित हो सकती हैं, आपसे उनको प्रेरणा मिल सकती है. तो क्यों ना आप इस मंच पे पधारें और अपनी बातों को रखें. और आप किसी भी टीम से हैं, वो सारे कोई बैरियर्स नहीं है, क्योंकि हम एक आईएमसी की पूरी फैमिली है, राइट रेनू मैम? बिल्कुल, आईएमसी की पूरी फैमिली है. और इनफैक्ट आईएमसी भी बहुत जल्द एक बड़े पैमाने पे विमेन एम्पावरमेंट का बहुत कुछ करने वाली है आगे, जो मैंने सर से सुना है, संदीप भाई जी इस बारे में जिक्र कर चुके हैं. और
यही होगा कि आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। आप थोड़ा बहुत जब इस मंच पर आएंगी, आप सीखेंगी कला, आप एक कंपनी लेवल पर एक और ज्यादा बेहतरीन तरीके से बोल पाएंगी। तो कहीं ना कहीं मैं आप सभी महिलाओं को आपके अंदर जो डर है उसे निकालना चाहती हूँ। आपके अंदर छुपी हुई एक बिजनेस वुमन, एक एंटरप्रेन्योर को लाना चाहती हूँ सामने। आप हमेशा बैकड्रॉप पे काम करती हैं, हमेशा जैसे प्लेबैक सिंगर्स होते हैं, हीरो बस आगे गा रहा होता है और वो आवाज किसी और की होती है, उसी प्रकार आप अपने घर में बहुत ही कंफर्ट, वही बात है, आप बहुत कंफर्ट लेवल में बैठ गई हैं। मैं चाहती हूँ आपकी जो रुचियां हैं, आपके जो टैलेंट्स हैं, आपकी जो खूबियां हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस वुमन, तो वो सारी सामने आए, एक प्रोफेशनैलिटी से वो सामने आए। तो यही मेरा सपना है, मेरी सोच है कि मैं आईएमसी से जुड़ी सभी महिलाओं को आगे देखूं, सामने देखूं, राइट? और अगर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है कोई, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आईएमसी ऐसी कंपनी है। मैं तो आईएमसी के बारे में ही ज्यादा इसलिए बोलूंगी क्योंकि मैं इससे एसोसिएटेड हूँ। रेणु जी आज आपके समक्ष एक उदाहरण स्वरूप बैठी हुई है, आपके समक्ष आज वो बोल पा रही है। और रेणु जी सिर्फ हिंदी ही नहीं और भी लैंग्वेजेस में बात करती है। और सबसे जो आज बेस्ट पॉइंट है कि हम दोनों हरियाणा की बहू हैं, तो हरियाणा जैसे एक रिच स्टेट की हम दोनों बहुएं हैं, तो हम आज दोनों बेटी और बहू के नाते, हरियाणा की बहुओं के नाते आप सबके समक्ष हैं। तो रेणु जी, वन मोर थिंग, हरियाणा में जो मैंने देखा है लेडीज बहुत पीछे रहना प्रेफर करती हैं, तो आप इस स्टेट, क्योंकि हम दोनों हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो फिर आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगी, कैसे उनको आगे आना चाहिए? क्योंकि बहुत बड़ी टीम हमारी हरियाणा से है, मैक्सिमम हमारे सीपीज हरियाणा से हैं, एसोसिएट्स बहुत सारे हरियाणा से हैं, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगी? जितना मैंने मैम देखा है, एक्सपीरियंस किया है मेरे 2-2.5 साल में जो मैंने आईएनसी में देखा है, एंड मैं हरियाणा में भी बहुत बार ट्रेनिंग्स में मैं गई हूँ, एंड मैंने वहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स से भी मैं मिली हूँ, तो ऐसा नहीं है। आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमें हरियाणा से भी मुझे देखने को मिला है कि वहाँ पे इनफैक्ट जो महिलाएं हैं आज जान चुकी हैं कि आज इंडिपेंडेंट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, एंड वो महिला भी धीरे धीरे आगे आ रही हैं, एंड आई गेस उनको देख के भी बहुत सारी महिला जो है इंस्पायर हो रही हैं और वो धीरे धीरे आई एम श्योर आगे आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगेन हर एक महिला को ये सोचना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमें एक स्टेप तो लेना ही पड़ेगा अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को लाइफ को अगर वो चेंज करना चाहते हैं, तो हमें तो वो पहला कदम उठाना ही पड़ेगा, राइट? जो एक बच्चा जो पहला कदम लेता है जिस तरह, तो वो पहला फर्स्ट स्टेप तो हमें लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो जितनी भी हरियाणा में मैं देख चुकी हूँ कि बहुत सारी लीडर्स से मैं मिली हूँ, तो ऐसा नहीं है, आज कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन भी काफी है, एंड काफी महिलाएं हमें हरियाणा से भी जुड़ रही हैं, एंड वहाँ पे काफी अच्छा काम हो रहा है। यस यस, और मैं काफी हरियाणा से हैं लीडर्स जो बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हैं और आगे आई हैं, और कहीं ना कहीं मैं जो बाकी जो अभी छुपी रुस्तम है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप लोग भी आगे आए, जिस प्रकार रेणु जी हैं, मैं हूँ, आप लोगों के लिए हम हैं हेल्प करने के लिए। और रेणु जी, और एक बात, मैक्सिमम एसोसिएट्स को एरिया मैनेजर का जो डेजिग्नेशन जो कंपनी ने जो यू नो एक रखा है, आपका जो कार्यभार है वो मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है, काफी लोग जानते ही नहीं एरिया मैनेजर्स को, इसलिए वो अप्रोच भी नहीं कर पाते और हमेशा ब्लेम यू नो अपलाइन एट टाइम्स होता है लोगों की, ये होती है क्वेरीज की, वो सपोर्ट नहीं होता जो भी है। तो एरिया मैनेजर का क्या रोल है इस कंपनी में, और जो बेहतरीन रोल है, मैं चाहूंगी आप वो भी थोड़ा सा लोगों को बताएं। ओके, सो आई थिंक ये जो सवाल है आपने मुझसे किया है कि लोगों को अभी तक एरिया मैनेजर का रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ही आई गेस अगर नहीं पता है, सो मुझे नहीं लगता है। वैसे जैसे हमारी हर लीडर से बात होती रहती है, हम सारे लीडर से टच में हैं, चाहे हमारे वो सुपरस्टार हैं चाहे सिल्वर हैं, हम हर किसी को आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं, हम हर जगह ट्रेनिंग्स के लिए अवेलेबल हैं, जितने भी हमारे ऑपरेशनल वर्क हैं, राइट, जितने भी हमारे TDs हैं, हमारे आउटलेट ओनर्स हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको जिस तरीके से भी कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, तो सारा जितना भी हमारा ऑपरेशनल वर्क है, साथ ही साथ हमारे लीडर्स को आगे बढ़ने में हम सपोर्ट कर रहे हैं, जितना भी हमारा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, जैसा आपने बोला कि कई लोग हमें अप्रोच करने से
कतराते हैं, नहीं बात कर पाते हैं. सो मैं आज इस ओपन फोरम पे सबको बोलना चाहूंगी कि अगर किसी को भी कोई भी परेशानी है, आप अपने रिस्पेक्टिव एरिया मैनेजर से बात कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन ले सकते हैं. अगर आपको आगे बढ़ने में कहीं तकलीफ आ रही है या आप आगे बढ़ने के लिए आपको ट्रेनिंग्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपनी टीम के लिए अपनी ट्रेनिंग्स को कंडक्ट करवा सकते हैं. राइट, अगर कोई भी एजुकेशन या कोई भी चीज आपको लगती है कि हमें कोई सपोर्ट आपको चाहिए, तो वो आप अपने एरिया मैनेजर से बिल्कुल आप कांटेक्ट में आके उनसे मांग सकते हैं, बिना बेझिझक मांग सकते हैं. हम आप ही लोगों के लिए हैं, राइट? आप हैं तो हम हैं. आपका सपोर्ट बहुत बहुत जरूरी है और आपको आगे बढ़ाने के लिए ही सारे एरिया मैनेजर्स हैं, राइट? तो आपकी कोई भी अगर क्वेरी है या कोई भी सपोर्ट आपको चाहिए, तो आप बेझिझक आप फोन कर सकते हैं, अपने एरिया मैनेजर से बात कर सकते हैं आपकी सारी क्वेरीज के लिए, राइट? आपके एरिया मैनेजर यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हैं. तो जितने भी लोग हैं अपने रेस्पेक्टिव एरिया मैनेजर्स एंड हमारे रीजनल हेड्स, सो सॉरी मैं रीजनल हेड्स को थैंक यू बोलना भूल गई, आज मुझे सुनने वाली है मैं फोन पे. सो थैंक यू सो मच. मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी दिल से सबसे ज्यादा जितने भी हमारे रीजनल हेड्स हैं, जो इतना ज्यादा दिन रात काम कर रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली एरिया मैनेजर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. सो थैंक यू सो मच टू ऑल द रीजनल हेड्स जो हमारे लिए काम कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं वो अपने एरिया मैनेजर्स और अपने रीजनल हेड्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर एनीथिंग. इसीलिए हर स्टेट में कंपनी ने आपको एक एरिया मैनेजर दिया हुआ है कि कहीं पर भी आपको आपके काम में परेशानी आती है, फॉर एनीथिंग यू कैन रीच आउट टू योर एरिया मैनेजर. ओके, थैंक यू वेरी मच मैम. और मैं उम्मीद करती हूँ कि काफी सारे लीडर्स हमें सुन रहे हैं, महिलाएं खासकर हमें सुनती हैं. सो अगेन, जो आपको सपोर्ट की बात मिली, तो एरिया मैनेजर्स आपके पास हैं, आपके स्पेसिफिक एरियाज में, हर एरियाज में कंपनी ने उनको असाइन किया हुआ है. आप सबकी मदद के लिए, आप सबको आपके निखरते हुए एक लीडरशिप स्किल्स को बाहर लाने के लिए, और आप सबको हर प्रकार की सहायता करने के लिए, चाहे वो आउटलेट हो, चाहे वो टीडी से रिलेटेड कोई चीज़ हो, तो वो सारी चीज़ें सॉल्व करने के लिए एरिया मैनेजर्स उपस्थित हैं आपके सभी एरियाज में. सो रेणु जी ने जो आज हमें समय दिया है, रेणु जी थैंक यू वेरी मच, जो कि दिल्ली की एरिया मैनेजर हैं. सो थैंक यू वेरी मच आप आए, और मैं उम्मीद करती हूँ आज कि आप देखेंगी भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हमारे एसोसिएट्स के आए हैं, दैट आज वो आपसे बहुत इंस्पायर हुए हैं आपकी बातों से, आपकी बहुत मोटिवेटेड हुए हैं, लाइक बहुत खुश हैं. इतने सारे कमेंट्स, एक्चुअली मैं वही सब कुछ रीड भी कर रही थी साइमल्टेनियसली. और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, और मेरी ओर से और क्राउन वर्ल्ड मिशन की ओर से, पूरी आईएमसी परिवार की ओर से आपका ढेर सारा धन्यवाद आपको और आपके पूरे मैनेजमेंट को, आपके सभी सीनियर लीडर्स को और आपके ऑपरेटर्स को मेरा तहे दिल से धन्यवाद. एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप आए और आज आपने जो भी चीज़ें शेयर करी हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका बहुत असर होने वाला है हम सब पर, और हम सब अब अग्रसर होंगे सीखने के लिए, क्योंकि हम सब जब एक साथ होते हैं तो बेहतर काम करते हैं और बेहतर सीखते भी हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस, और मैं उम्मीद करती हूँ इसी तरह आप आते रहेंगे, और हम आगे की नई सीरीज भी ला रहे हैं, दैट इज मैं चाहूंगी रेनू मैम से मेरी थोड़ी बहुत डिस्कशन भी हुई इसके रिगार्डिंग, दैट इज एम्पावर टॉक्स. तो हम ये एम्पावर टॉक्स सीरीज जून के पहले हफ्ते से शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे कुछ और एरिया मैनेजर्स हमारे साथ होंगे और मैम भी आएंगी उस सीरीज में, फिर से आप सबसे मिलने, आप सबके सारे सवालात के जवाब देने के लिए और बहुत कुछ सिखाने के लिए. सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन रेनू जी एंड सभी एसोसिएट्स का जिन्होंने आज हमें लाइव देखा, और हम उम्मीद करते हैं आप सब जो हम आप लोगों के लिए करना चाह रहे हैं, ये सारी चीजें हम सीरीज ला रहे हैं, अभी टॉक शो ला रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप इनसे बहुत कुछ सीखेंगे. और हमेशा ध्यान रखिए, आईएमसी एकमात्र ऐसी कंपनी है जो सिर्फ आपके वेल्थ के लिए नहीं, आपके हेल्थ के लिए पहले काम करती है, प्रायोरिटी देती है, और साथ ही साथ आपके बिजनेस के लिए इतना बढ़िया मॉड्यूल सेट किया हुआ है, इतने एरिया मैनेजर्स आपके लिए हैं, रीजनल हेड्स हैं आपके लिए, हर डिपार्टमेंट में एक ऐसा सिस्टम ऑफ लीडर्स सेट किया है कि आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी. और आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको संपूर्ण तरीके से स्वतंत्र रखता है और इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, राइट मैम? चाहे हम जेंडर बायसनेस की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है. आप एज एन, क्योंकि मैम तो एम्प्लॉय हैं, मैनेजमेंट में हैं,
वो मैनेजमेंट के साथ काम कर रही हैं, तो एक उनसे ही आप सीख सकते हैं कि बाकी मेल एरिया मैनेजर्स भी हैं और साथ ही साथ मैम भी कंधे से कंधे मिलाकर बाकी मेल एरिया मैनेजर्स के साथ काम कर रहे हैं. सो आप देख सकते हैं कि जब एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में भी, ट्रेडिशनल सेक्शन में भी ये कंपनी कितनी अग्रसर है महिलाओं की ओर, तो फिर एसोसिएट्स को तो जाहिर सी बात है वो बहुत सपोर्ट और ढेर सारा प्यार देती है. और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन मैम, एंड आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, गिविंग योर टाइम. सो एक हम सॉन्ग के साथ सबको बाय बाय बोलेंगे आज के लिए, राइट? सो हियर वी गो. तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो क्लैप कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं हमारे साथ, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें. जितना मैक्सिमम हो पाए आप लोग शेयर जरूर करें. रेनू मैम, ओके, सो गुड आई एम सी, एंड मेरी और रेनू यादव मैम की तरफ से वी sign off and thank you so much for being in touch and being online with us, and umeed karte hain ki aap sab hamesha kushal mangal rahe, swasth rahe aur mast rahe. Good night, see, bye.